हेलो फ्रेंड्स, आज हम आमले की कैंडी बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कुछ आमले लिए हुए हैं। हम इनको फ्रीजर में 10 से 15 दिन के लिए रख देंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारे आमलों को 10 से 15 दिन हो चुके हैं और इन पे थोड़ी बर्फ भी जम चुकी है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। हमने फ्रिज से आमलों को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि इसकी बर्फ पिघल जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आमले को एक एक करके कली में निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसका छिलका भी उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी सारी आमले कली में आ जाएंगे। हमारे पास अभी 250 ग्राम आमले हैं। हम इसमें करीब करीब 300 ग्राम बूरा डालेंगे। अब हम बूरे को आमले में अच्छे से हाथों से मिलाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बूरे को आमले से अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। 2 घंटे के बाद हमने इसको धूप में रख दिया है। हम इसको धूप में तब तक के लिए रखेंगे जब तक ये अच्छे से सूख न जाए। 4 से 5 दिन इसको धूप में रखने के बाद हमारी कैंडी बिल्कुल रेडी है। आप इसको कंटेनर में अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं और इसको 1 साल तक आप खा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।